दोस्तों वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करेंगे जी पॉलीसैक्चराइड के डिफरेंट एमसीक्यूज के मतलब डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए उनके करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला एमसीक्यूज है जी विच कार्बोहाइड्रेट यील्ड मोर देन 10 मोनोसैक्चराइड यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी जो मोर देन 10 मोनोसैक्चराइड यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड करता है या मोर देन 10 मोनोसैक्चराइड यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, तो ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है जी पॉलीसैक्चराइड। पॉलीसैक्चराइड जो है हमारे पास जो है वो मोर देन 10 मोनोसैक्चराइड यूनिट पर जो है वो मुश्तमिल होता है। लिगोसैक्चराइड की अगर हम बात करें तो ये 2 से 10 मोनोसैक्चराइड यूनिट है, डाइसैक्चराइड ये 2 है और मोनोसैक्चराइड जो है ये सिंगल सैक्चराइड यूनिट पर जो है मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमो पॉलीसैक्चराइड, एगर पेप्टिडोग्लाइकेन पैक्टिन एंड स्टार्च। तो होमो पॉलीसैक्चराइड ऐसे पॉलीसैक्चराइड होते हैं जो सेम टाइप ऑफ मोनोसैक्चराइड यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, तो इनको हम जो है वो होमो पॉलीसैक्चराइड कहते हैं। और दूसरे हमारे पास हैं जी हेट्रो पॉलीसैक्चराइड होते हैं जिनमें हमारे पास जो है पॉलीसैक्चराइड होते हैं जिनमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सैक्चराइड यूनिट या मोनोसैक्चराइड यूनिट जो है वो पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो स्टार्च है, स्टार्च में सेम टाइप ऑफ मोनोसैक्चराइड यूनिट यानी ग्लूकोज पाए जाते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो होमो पॉलीसैक्चराइड है। एगर पेप्टिडोग्लाइकन और पैक्टिन ये तीनों जो है ये होमो हेट्रो पॉलीसैक्चराइड है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ग्लाइकोजन जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारे पास जो एनिमल्स में जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, तो ये हमारे पास जो है मेनली लीवर और मसल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 4 विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च इन द ओरल कैविटी एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ स्टार्च किसकी वजह से होती है, तो ये हमारे पास जो है वो अमाइलेज की वजह से होती है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, तो यहाँ पर अमाइलेज हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। लाइपेज की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास लिपिड्स की डाइजेशन करवाता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो होते हैं ये हमारे पास जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द सेलुलोज इन प्लांट्स। सेलुलोज का मेन फंक्शन प्लांट्स में क्या है, तो जैसे कि हमें मालूम है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में ये हमारे पास जो है पाया जाता है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है प्लांट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 6 व्हाट कलर डज आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स व्हेन इट रिएक्ट विद स्टार्च। तो स्टार्च के साथ जब आयोडीन सॉल्यूशन रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास जो है वो ब्लू कलर देता है, तो ये आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं स्टार्च की प्रेजेंस के लिए, स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों के लिए। ग्लाइकोजन जो होता है हमारे पास ये हमारे पास जो है वो रेड कलर देता है विद आयोडीन टेस्ट, और जो हमारे पास जो है वो स्टार्च है ये हमारे पास ब्लू कलर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 7 विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन सेलुलोज बिटवीन ग्लूकोज रेजिड्यूज। सेलुलोज में जो है वो ग्लूकोज रेजिड्यूज में जो कौन सी लिंकेज पाई जाती है, तो सेलुलोज जो होता है ये हमारे पास जो बीटा ग्लूकोज जो होते हैं उनकी मदद से मिलकर बनता है, तो ये हमारे पास जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शो करवाता है। यहाँ पर अगर हम देखें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमारे पास जो है वो सेलुलोज में भी होती है और ये हमारे पास जो है वो काइटिन में भी होती है, और अगर हम बात करें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, तो ये हमारे पास जो स्टार्च की माइलेज फॉर्म होती है उसमें होती है जो अनब्रांच फॉर्म होती है, और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये हमारे पास यहाँ पर जो होती है ये हमारे पास जो होती है यहाँ पर ग्लाइकोजिन, और दूसरा ये हमारे पास जो है वो माइलोपैक्टिन जो फॉर्म होती है स्टार्च की माइलोपैक्टिन फॉर्म होती है उसमें भी ये हमारे पास जो है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 8 है काइटिन इज़ फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। काइटिन जो हमें मालूम है कि ये हमारे पास जो फंजाई की जो है हमारे पास सेल वॉल में पाया जाता है, और ये सेकंड मोस्ट जो है अबंडेंट पॉलीसैक्चराइड है प्लांट्स की जो हमारे पास सेल वॉल होती है उसमें हमारे पास जो सेलुलोज होता है, और जो हमारे पास बैक्टीरिया की जो हमारे पास होती है सेल वॉल इसमें जो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। तो तीनों बैक्टीरिया प्लांट्स और फंजाई की जो हमारे पास सेल वॉल होती है इसमें जो है वो पॉलीसैक्चराइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 विच मोनोसैक्चराइड इज अ कंपोनेंट ऑफ काइटिन। काइटिन का कौन सा जो हमारे पास है जी मोनोसैक्चराइड वो कंपोनेंट है, फ्रुक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। तो जो हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन है ये हमारे पास है जी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, तो ये हमारे पास जो है वो काइटिन की जो होती है काइटिन का जो है वो मोनोसैक्चराइड कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमो पॉलीसैक्चराइड। तो इनमें से जो कौन सा है यहाँ पर हमारे पास जो होमो पॉलीसैक्चराइड नहीं, यानी हमने हेट्रो पॉलीसैक्चराइड ढूंढना है।
एगर है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है होमोपोलीसेक्चराइड है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एगर है ये राइट ऑप्शन है, ये हमारे पास जो है वो होमोपोलीसेक्चराइड नहीं है, ये होट्रोपोलीसेक्चराइड है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मोनोसेक्चराइड यूनिट जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11, व्हाट इज़ द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल के मतलब पूछा गया, तो एनिमल में जो होती है हमारे पास जो है ग्लाइकोजन होती है। ग्लाइकोजन बेसिकली हमारे पास जो है लीवर और मसल्स में स्टोर होती है। स्टार जो है ये हमारे पास जो है वो प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लांट स्टोरेज में जो है, प्लांट्स में जो है वो पॉलीसेक्चराइड या कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज जो है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 12 है, विच एंजाइम ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज यूनिट्स इन ड्यूरिंग डाइजेशन। तो ड्यूरिंग डाइजेशन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन से जो है हमारे पास एंजाइम्स कन्वर्ट करते हैं, माइलेज, पेप्सिन, सेलुलोज। सेलुलोज जो है डिफरेंट हर्बीवर्स एनिमल्स में होते हैं, ये हमारे पास जो है सेलुलोज को जो है ब्रेक डाउन करवाते हैं। माइलेज जो है ये स्टार्च के लिए होते हैं, और दूसरा जो हमारे पास है जी पेप्सिन, ये हमने पहले देखा कि ये प्रोटीन के लिए होते हैं। तो माल्टेज जो होता है ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है, ये हमारे पास जो है ग्लाइकोजन की स्टोरेज करवाता है, ऐसे ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाता है इनटू ग्लूकोज यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 13, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टार्च इन प्लांट्स। तो मेन फंक्शन प्लांट्स का जो स्टार्च का प्लांट में क्या है, तो प्लांट्स की जो प्लांट्स में स्टार्च का मेन फंक्शन है जी वो है जी स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एनर्जी स्टोरेज, सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन। तो एनर्जी स्टोरेज जो है ये हमारे पास जो है वो प्लांट्स में स्टार्च करवाता है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये प्लांट्स में जो है वो हमें सेलुलोज देता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर जो है वो 14 है, हाउ इज सेलुलोज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन कंसर्निंग डाइजेशन। डाइजेशन के मामले में जो है सेलुलोज जो है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन से कैसे डिफरेंट है। इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू माल्टोज, इट इज़ इजीली कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारे पास माल्टोज में ये ग्लाइकोजन और जो है स्टार जो है ग्लाइकोजन और स्टार जो है ये सबसे पहले जो है हमारे पास जो है माल्टोज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो सेलुलोज है ये हमारे पास जो है वो डाइजेस्टेड नहीं होता है इन ह्यूमन इंटेस्टाइन या ह्यूमन जो जीआईटी ट्रैक होता है। तो ये इस तरह जो है वो स्टार्च और ग्लाइकोजन से डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 है, व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेलवल। प्लांट सेलवल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा गया, तो ये हमें मालूम है सेलुलोज जो होता है ये हमारे पास जो है प्लांट सेल का जो है सेलवल का जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। काइटिन यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो है फंजाई में पाया जाता है। स्टार जो है ये स्टोरेज जो है वो पॉलीसेक्चराइड है इन प्लांट्स, स्टोरेज करवाता है प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स की। और जो ग्लाइकोजन है ये हमारे पास जो है वो स्टोरेज इन एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स होती है पॉलीसेक्चराइड की या मोनोसेक्चराइड की स्टोरेज इन एनिमल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोपोलीसेक्चराइड। कौन सी यहाँ पर जो है होमोपोलीसेक्चराइड की करैक्टरिस्टिक नहीं है। कंपोज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्चराइड, तो ये हमारे पास जो वन टाइप ऑफ सेक्चराइड पर मुश्तमिल होते हैं मोनोसेक्चराइड। एग्जांपल इंक्लूड स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, यस ये भी ठीक है। फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट मोनोसेक्चराइड सर्व एज अ फूड एंड एनर्जी स्टोरेज। तो ये एनर्जी एंड फूड स्टोरेज के तौर पर तो काम आते हैं, लेकिन ये डिफरेंट मोनोसेक्चराइड नहीं बल्कि सेम मोनोसेक्चराइड से मिलकर बने होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोजन लिंकेज इज फाउंड इन ग्लाइकोजन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो ग्लाइकोजन और जो हमारे पास जो माइलोपेक्टिन होता है, माइलोपेक्टिन होती है स्टार्च की फॉर्म, ये हमारे पास जो है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 18, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ सेलुलोज इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट में सेलुलोज का मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी सोर्स है, स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाता है, प्रिवेंट अबनॉर्मल अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, प्रोवाइड टेस्ट टू फूड। तो ये हमारे पास जो है अबनॉर्मल अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को जो है वो प्रिवेंट करवाता है सेलुलोज, बिकॉज ये अनडाइजेस्टेड ही जो है वो हमारे जीआईटी ट्रैक से जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट सो तो ये थे दोस्तों हमारे पास टोटल एमसीक्यूज पॉलीसेक्चराइड के। पॉलीसेक्चराइड के डिफरेंट कंसेप्ट से हमने डिफरेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा। दोस्तों के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ इस चैनल की उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।